स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से आपके YouTube चैनल लफ्ज़ी शेल्टर में। दोस्तों आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, जैसे कि गर्मियों का मौसम चल रहा है दोस्तों, अगर गर्मियों के मौसम में हम हरी सब्जी और फल का अगर सही सेवन करते हैं तो ये हमारे बॉडी के लिए काफी फायदेमंद होता है। हमारे बॉडी को मतलब स्ट्रॉन्ग करता है, इम्यूनिटी को बूस्ट करता है और हमारे बॉडी में जैसे क्या होता है, पानी की कमी हो जाती है, हमें लू लग जाती है गर्मी में और पेट की समस्या होती है, तो ऐसी समस्याओं में फल बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होता है। ठीक है, इसी को लेकर दोस्तों इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे तरबूज खाने के फायदे के बारे में, जिसको वाटर मेलन बोलते हैं। आखिर भाई जो तरबूज होता है कैसे लेना होता है, क्या ऐसे इसमें पोषक तत्व तो होते हैं जो तरबूज को खास बनाती है, इस वीडियो में पूरी जानकारी देंगे। साथ ही साथ हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और अपना प्यार जरूर दिखाएं। दोस्तों जो तरबूज होता है ये न्यूट्रिएंट्स होते हैं, पोषक तत्व होते हैं, जैसे कि बात करें इसमें कैलोरीज होती है, इसके अलावा दोस्तों इसमें प्रोटीन होती है, कार्बोहाइड्रेट होती है और दोस्तों डाइट्री फाइबर होती है, फैट होती है। ठीक है, इसके अलावा अदर एलिमेंट पाए जाते हैं जैसे कि सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों विटामिन सी होती है, विटामिन ए होती है, विटामिन के होती है जो कि क्लॉटिंग फाइटर के लिए काफी फायदेमंद होता है, आयरन होती है, फोलिक एसिड होती है, इसमें दोस्तों विटामिन B12 होती है, बी कॉम्प्लेक्स भी होती है जो तरबूज को खास बनाती है। ठीक है, तो ये कुछ पोषक तत्व तो होते हैं, एलिमेंट होते हैं जो तरबूज में पाए जाते हैं। दोस्तों तरबूज में अक्सर आप देखेंगे तो क्या होता है, इसमें 90% क्या होता है, वाटर होता है जो कि मिनरल्स वाटर होते हैं। अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों जो तरबूज होता है इसका खाने का क्या फायदा होता है, आखिर इसमें क्या पोषक तत्व होते हैं जो हमारे शरीर के लिए इतना अच्छा होता है, फायदा होता है। तो पहला होता है दोस्तों ये हमारे शरीर में जमा गंदगी को बाहर निकालने का काम करते हैं, यानी कि डिटॉक्सिफाई करते हैं हमारे शरीर में जमा गंदगी को बाहर निकालकर। जैसे कि दोस्तों जिन लोगों को भाई गर्मियों के मौसम में क्या होता है, पानी की कमी होती है, जिनको डिहाइड्रेशन की समस्या होती है, ठीक है, जो अपने आप को बहुत ज्यादा थकान फील करने लगते हैं, तो ऐसी कंडीशन में तरबूज काफी फायदेमंद होता है। ठीक है, ये हमारे शरीर में पानी की रिक्वायरमेंट को पूरा करता है। इसके अलावा हमें जैसे लू लग जाती है गर्मियों में, तो लू लगने से ये बचाता है, ठीक है, जिससे कि हमारे बॉडी में शरीर में पानी की कमी ना हो। इसके अलावा दोस्तों जैसे कि क्या होता है, हमारे स्किन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम ना हो, ये हमारे स्किन को ग्लो रखता है, अक्सर हमारे स्किन पे कोई इन्फेक्शन नहीं होता है जल्दी इसके लेने से। इसके अलावा दोस्तों जैसे पेट से संबंधित बीमारी हो जाती है, क्या होता है गर्मियों में अक्सर क्या होता है भाई, हमें एसिडिटी की ज्यादा समस्या होती है, हमारे पेट में जलन होती है, तो ऐसी कंडीशन में एसिडिटी की समस्या को ये ठीक करता है। दोस्तों जो तरबूज का तासीर होता है ये अक्सर ठंडा करता है, यानी कि अगर हम खाते हैं तो हमारी बॉडी को ठंड रखता है, यानी कि हमारे पेट में जब जाता है तो पेट को क्या करता है, पेट की गर्मी को क्या करता है, रिलैक्स करता है और जो गर्मी होती है उसको बाहर निकालने का काम करता है। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों जैसे कि जिन पुरुषों के अंदर भाई क्या होता है, शारीरिक कमजोरी होती है, जैसे कि इरेक्टाइल डिसफंक्शन की समस्या होती है, जिसको नपुंसकता की प्रॉब्लम बोलते हैं, तो ऐसी कंडीशन में तरबूज फायदा करता है अगर रेगुलर तरीके से आप नियमित रूप से इसका सेवन करते हैं। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों जैसे कि पुरुषों में क्या होता है, शुक्राणु की कमी होती है, शुक्राणु की संख्या कम होती है, तो ऐसी कंडीशन में ये अच्छा काम करता है, अगर रेगुलर यूज करते हैं तो शुक्राणु की कमी कम हो ठीक हो जाती है और इनफर्टिलिटी की जो समस्या होती है पुरुषों में ये भी ठीक होती है। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों आयरन की कमी यानी कि खून की कमी होती है, तो ऐसी कंडीशन में तरबूज आयरन की रिक्वायरमेंट को पूरा करता है और दोस्तों जैसे कि क्या होता है, एनीमिया की प्रॉब्लम होती है, जैसे एनीमिया में क्या होता है, खून की कमी हो जाती है, आरबीसीस की कमी हो जाती है, तो वो भी रिक्वायरमेंट पूरा करता है। इसके अलावा दोस्तों ये हमारे बॉडी को यानी कि बॉडी में इम्यूनिटी को क्या करता है, बूस्ट करता है, प्रतिरक्षा अच्छा तंत्र को बढ़ावा देता है कि भाई जल्दी कोई भी बैक्टीरिया वायरस हमारे बॉडी में इंटर ना करे, हमारे शरीर को इन्फेक्टेड ना करे, तो ये फायदा होता है तरबूज खाने का। ठीक है, अब हम बात करते हैं भाई कि इसका सेवन कैसे करना है। तो दोस्तों आप सुबह में तरबूज खा सकते हैं, ले सकते हैं, इसका सेवन कर सकते हैं, या फिर आप दोपहर में खाना जब खाते हैं तो उस समय आप ले सकते हैं। ठीक है, तो ये तरबूज खाने के फायदे होते हैं दोस्तों। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी, अगर वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और वीडियो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।